सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं, तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो मैं हूं हनी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चेहरे का कालेपन को हटाने का एक सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। सर्दी का मौसम में काफ़ी सारे लोगों का स्किन जो है काले हो जाती है, डार्कनेस हो जाती है, इचिंग, इरिटेशन और रफनेस, तो ये हर कोई को होता है। और सर्दी का मौसम में अपने चेहरे का रंग जो है कम होता है, तो इसलिए कि ज़्यादा कूल होने की वजह से चेहरा अनइवन दिखता है और ठंड का मौसम में चेहरे का खूबसूरत भी चले जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस सर्दी का मौसम में या हर मौसम में भी इस रेमेडी को आप ट्राई कर सकती हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त होम रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे आप यूज़ करने से चेहरे के ऊपर कालेपन हो, दाग हो, पिंपल, किसी तरह निशान को भी ये मिटा देती है और चेहरे का ग्लोनेस को भी ये बढ़ा देती है इस नुस्खा। और इस रेमेडी को मैं भी ट्राई करती हूँ, मुझे काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट मिलती हैं। मैं जब भी टाइम मिलती है मैं इस रेमेडी को ट्राई करती हूँ, इससे 100% रिजल्ट मिलता है और ताकि अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होता है। अगर आप पार्टी जाए या फंक्शन हो, कहीं भी जाना है, तो इंस्टेंटली अपने चेहरे को ग्लोइंग करना है, ब्राइटनिंग करना है, एक अच्छा सा निखार लाना है, इस पैक बहुत अच्छा काम करता है। इस पैक बनाना भी बहुत आसान है और इस पैक का खास बात ये है कि ये हर स्किन टाइप के लिए सूट भी होते हैं, चाहे मेन एंड वुमेन और बच्चों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकती हो। बनाना भी आसान है और लगाना भी आसान है और रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग दिल। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को देखते हैं। और वीडियो को देखने के पहले आप लोगों को भी कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है, ताकि वो स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, प्रोडक्ट रिव्यूज़ या मेकअप, ताकि कोई भी रिलेटेड वीडियो हो, तो आप वीडियो एंड में मुझे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट पढ़ के मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिक्वेस्टेड वीडियो बना देती हूँ। उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का नाम भी मेंशन करती हूँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को हमेशा फॉलो कीजिए। मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करती हूँ आप कम्प्लीटली वो वीडियो को देखिए और प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर को ज़रूर कीजिए। आप वो वीडियो को आप फ्रेंड्स के साथ भी शेयर भी कर सकती हूँ। सो चलिए वीडियो को देखते हैं। सर्दी का मौसम में चेहरे का कालापन हटाने का तरीका, इसके लिए सबसे पहले एक क्लीन बाउल लेना है। क्लीन बाउल में हमें ऐड करना है दही। मैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे 1/2 कप दही ऐड कर चुकी हूँ। 1/2 कप दही में हमें ऐड करना है नींबू का रस। आपको पता है दही अब सर्दी का मौसम में अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है दही यूज़ करने से, और इसे स्किन का टेक्सचर भी बढ़ता है। इसके बाद इसमें मैंने नींबू का रस ऐड कर चुकी हूँ। नींबू में सिट्रिक एसिड रहता है, ये अपना स्किन टोन को इम्प्रूव करने के साथ ही साथ इससे अपना स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी बढ़ेगा। याद रखिए फ्रेंड, आप दही नॉर्मल मलाई वाली दही यूज़ कीजिए, बिल्कुल इस तरह रहना है दही। ये दो चीज़ को अच्छे से मिलाना है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना चाहिए, इसके बाद इसमें और ऐड करना है हम कोकोनट ऑयल। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। आप चाहिए तो इसकी जगह एक विटामिन ई कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। ये सब चीज़ को अच्छे से मिलाना है। ये पैक जो है अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, इससे अपना स्किन टेक्सचर भी बहुत अच्छा बढ़ेगा इस सर्दी का मौसम में। ये दही का पैक चेहरे के ऊपर कालेपन को हटाता है, बॉडी को, रफ स्किन को भी टाइटन करता है। अभी ये पैक तैयार हो गया है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। इस पैक को आप हाथों की मदद से या कॉटन की मदद से अप्लाई कर सकते हो। आप ये पैक को आप आंखों के नीचे, ऊपर, ऑल ओवर फेस के ऊपर और गले के ऊपर, बॉडी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पैक अपना बॉडी के ऊपर, चेहरे के ऊपर कालापन को हटाता है। इसमें है दही। दही आपको पता है ये रफ स्किन को रिमूव करता है और स्किन को, ड्राइनेस को रिमूव करके स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बना देता है। अगर आपके स्किन सर्दी का मौसम में काफ़ी सारे लोगों को स्किन पे ऊपर इचिंग, इरिटेशन होता है, रैशेस होता है, दही का पैक अप्लाई करने से ये स्किन इचिंग, रैशेस को हटाता है, क्योंकि इसमें हमें ऐड किया है नींबू का रस। नींबू का रस अपना स्किन इन्फेक्शंस को, लेमन यूज़ करने से अपना स्किन इन्फेक्शंस को हटाता है और स्किन कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ई, विटामिन सी रहता है। त्वचा अच्छा रहेगा और इसे यूज़ करने से गोरापन भी अच्छी तरह बढ़ता है। और इसमें मैं कोकोनट ऑयल यूज़ किया हूँ। यह अपने स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने के साथ ही साथ स्किन को सिल्की स्मूथ बना देता है। इस तरह इस पैक को ऑल ओवर चेहरा और गले के ऊपर अप्लाई कीजिए। आप चाहिए तो इसको आप बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके हाथ सूखे सूखे, ड्राई हैं, अगर आपके हाथों को नेचुरली मॉइस्चराइज करना है, अपने हाथों को
सॉफ्ट और स्मूथ बनाना है तो इस पैक को आप आंतों के ऊपर भी अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा सर्कुलर मोशन में रब कीजिए। आप जितना अच्छा करोगे उतना चिजल आपको मिलेंगे। इसके बाद हाथों को नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए। आप चाहिए तो अच्छे चिजल के लिए वार्म वाटर थोड़ा गर्म पानी से वॉश कीजिए। ऐसे करने से हाथ बहुत स्मूथ होंगे, हाथों के ऊपर टैनिंग डस्ट भी दूर होगा, हाथों को भी नेचुरली मॉइस्चराइज मिलता है और अपना हाथ भी बहुत खूबसूरत दिखने लगेंगे। इस पैक को आप हाथ और बॉडी के ऊपर इस तरह अप्लाई करके देखें। इस विंटर का मौसम में स्किन बहुत स्मूथ होगा और रफनेस चले जाएगा और ड्राई डैमेज्ड स्किन भी रिपेयर करता है इस पैक। सो फ्रेंड्स, ये था आज की मेरी होम रेमेडी। अगर आप लोगों को इस रेमेडी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कुछ भी कमेंट है, डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हो, उसके आंसर मैं जरूर दूंगी। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को ज़रूर क्लिक कीजिए।